सब्सक्राइब करें ऑडियो व्यू एडी चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस यार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं कार के डैशबोर्ड लाइट की अनबॉक्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। इसे मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, मुझे ये टोटल 400 की पड़ी है। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो गाइस यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए कि हमारी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। देखिए ये रहा, ये बिल दिया हुआ है इन्होंने। आप यहाँ रिटेल प्राइस देख सकते हैं। देखिए मैंने 389 में ख़रीदा था, टोटल 389 हुआ है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो गाइस ये रहा हमारा कार डैशबोर्ड लाइट। देखिए ऊपर रिमोट भी दिया हुआ है। तो चलिए इसे खोलते हैं। पहले ऊपर रिमोट दिया हुआ है और बाकी सब अंदर ही है। चलिए इसे खोलते हैं। देखिए पहला हमारा रिमोट है, इसमें कलर चेंजिंग के लिए दिया है और ये म्यूजिक के लिए भी दिया है। और पीछे देख सकते हैं आप, सेल के लिए दिया हुआ है। इसको निकालेंगे तो रिमोट आपको ऑन हो जाएगा, वो बैटरी ना जाए इसलिए दिया रहता है पहले से ही। और ये रहे इसकी लाइट्स। अगर इसमें बहुत लंबी तारें दी जाती हैं कि आपके आगे पीछे दो दो लाइट कार में लग जाए, सीट के नीचे और एक डैशबोर्ड के नीचे। और ये जो पहला है अडैप्टर, आप इसे अपने कार चार्जर में लगा सकते हैं और ऑन ऑफ का स्विच भी है उसमें। और गाइस यार ये आ जाता है, तो गाइस यार ये है हमारी लाइट्स। ये है पहला अडैप्टर जिसमें ये रिमोट कंट्रोल, देखिए रिसीवर दिया हुआ है और ये हमारा रिमोट से ट्रांसमीटर निकलेगा। इस तार को आपको थोड़ा बाहर साइड में निकाल के रखना अपने कार में, तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रही हमारी चारों लाइट्स, देख सकते हैं आप इतनी लंबी तारें दी हुई हैं इसकी। और एक लाइट में आपको 9 LEDs मिल जाएंगी और ये कलरफुल हैं। देखिए और ये रहा इसका रिमोट अडैप्टर। इस अडैप्टर में आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा, आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। ये अडैप्टर आपके कार के 12 वोल्ट डीसी में जाएगा। और ये जो इसका पिन है, ये दूसरे वाले अडैप्टर के पिन में दिया हुआ है, प्लग इन कर देना। सो गाइस यार आ गए हम अपने कार में और ये हमारी कार में अडैप्टर नहीं दिया, इसलिए हमने एक और अडैप्टर काट लिया है जिसे हम डायरेक्ट कनेक्शन देंगे। तो चलिए देखिए हमारे डैशबोर्ड में चार्जर पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए हम इसे नहीं लगा सकते। चलिए पहले हम LEDs लगा देते हैं। तो गाइस यार हम अपने चार LEDs दो करके आगे लगा रहे हैं, आप चाहें तो एक एक करके दो पीछे और दो आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम चारों आगे ही लगा रहे हैं। हमारी पहली LED, और ये सेकेंड वन। गाइस यार आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस डबल साइड टेप का जो रैपिंग है उसे निकालना है और अपनी कार के डैशबोर्ड पे लगा देना है। गाइस हमारी कार में थोड़ी दिक्कत होगी लगाने में, लेकिन आपकी कार में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमारी कार थोड़ी ओल्ड मॉडल है, इसलिए हमारे ड्राइवर सीट पे डैशबोर्ड पे कोई जगह नहीं है, इसलिए हम उस पर बहुत जुगाड़ लगा के ही कर रहे हैं। तो चलिए आपको ड्राइवर सीट पे ले चलते हैं। देखिए ड्राइवर सीट पे हमने हैंडल का जो एसी के अंदर होता है उसके अंदर हमने लाइट्स लगाई हैं, और इसका जो अडैप्टर है ये हमने एम्पलीफायर के नीचे सेट कर दिया है, जहाँ से हम रिमोट से इसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं एम्पलीफायर के नीचे हमने लगाया इसे। तो गाइस यार हमारी कार में जो LED का स्विच है उसमें 12 वोल्ट का DC करंट आता है, जिसमें हमने प्लस वाला उसमें जोड़ दिया है LED स्विच में। और जो माइनस है आपको कार के किसी भी नट में
लगा देना है जिससे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक ग्राउंड होता है और एक पॉजिटिव। ग्राउंड वाला है आपको अपनी कार के किसी नट में भी डाल देना है। देखिए हमने जैसे ही नट पे इसे टच कराया LEDs ऑन हो गए, आप देख सकते हैं। बस आपको तार थोड़ा अंडरग्राउंड में रखना है कि ड्राइवर सीट पे चलाने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब इसे रिमोट से कंट्रोल करते हैं। तो आप देखिए रिमोट से भी इजीली कंट्रोल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, डार्क ब्लू एंड पर्पल। और गाइस यार इसमें म्यूजिक से भी कनेक्टेड किए हुए और अलग अलग फेड्स भी दिए हुए हैं। म्यूजिक के भी अलग अलग फेड्स दिए हुए हैं यार। चलिए अब हम इसे अपनी कार में रात में चेक करते हैं।